एक बार फोन किया तो बहुत गलत गलत बात बोली थी, वो रिकॉर्डिंग है दूसरे फोन में हमारे, वो गुंडा विधायक के बारे में क्या बोला प्रताप कमेटी के बारे में। हाँ, उसका न्यूज बनाने के लिए हमने 1.5 लाख रुपये दिया। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। देश के 4 स्तंभों में से एक, जिसे चौथा स्तंभ के रूप में आज जाना जाता है, वह है मीडिया, जो सदैव आमजन की आवाज़ को उन जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम करने के साथ ही जिम्मेदार पदों पर बैठे उन जिम्मेदारों की, जो अपने पदों का दुरुपयोग करने का काम करते हैं, उनकी कारगुजारियों का खुलासा कर आमजन को उचित न्याय मिल सके, उसके लिए सदैव प्रयासरत रहता है। लेकिन ऐसे में अगर झूठ को आईना दिखा सच का सामने लाने वाला मीडिया ही अपने कर्म और कर्तव्य से भटक जाए और अपने कर्म को ही पैसे कमाने का एक साधन बना ले, फिर एक बड़ा विचारणीय विषय बन जाता है। ऐसा ही कुछ मामला शहर के जिला कलेक्ट्री में जिला कलेक्टर द्वारा की जा रही जनसुनवाई में सायरा से अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे बाबू ने मीडिया कर्मियों से बात कर बताया। 16 फरवरी को बाबू की बहन की हत्या होने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उदयपुर जिला कलेक्ट्री पर ज्ञापन देने आए, जहाँ यूट्यूब पर चलने वाले सच का सामना नामक एक न्यूज चैनल ने हमसे हमारी पीड़ा सुन हमारी खबर को आमजन तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद वह लगातार हमें फ़ोन करते रहे और 2 बार हमारे गांव सायरा भी आए। पीड़ित बाबू ने बताया कि लगातार फ़ोन करके हमसे अभी तक खबर चलाने के नाम पर 28,000 रुपये ले लिए। यही नहीं, पीड़ित बाबू ने अवैध वसूली करने वाले मीडिया कर्मियों को पैसा देने के लिए ब्याज पर पैसा ला कर भी दिया। जी, मेरा नाम बाबू है, पिताजी का नाम भमरा राम जी है, मैं सायरा का रहने वाला हूँ, गोखड़ा पंचायत लगती है मेरी। और 16 फरवरी को मेरी बहन का मर्डर हुआ था। मर्डर करने वाला खुद मेरी बहन का पति था सोहन राम, पिता उदय राम जी, और उसकी सास सुन की बाई, और पड़ोस में रहता है रता राम और दौला राम और एक गोंगा राम करके और है, और इन सब ने मिलकर ये मर्डर किया गया है साहब। हम उसके बाद वो मर्डर हुआ, उसके बाद हम यहाँ आए थे, हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे उदयपुर कलेक्टर साहब को, एसपी साहब जी को, और यहाँ आए तो यहाँ पर फिर वो दिया ज्ञापन, फिर बाहर मिले पत्रकार 24 न्यूज़ वाले, सच का सामना 24 न्यूज़ वाले, तो उन्होंने हमारी न्यूज़ बनाई तो फिर उन्होंने ये भी कहा, लेडीज थी, पता नहीं नाम तो नहीं बताया, उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद भी कुछ काम पड़े तो हमें फ़ोन करना। तो हम घबराए हुए थे कि भाई हमारी बहन का मर्डर हुआ है तो कोई मदद करेंगे हमारी, इस वजह से हमने उनको नंबर भी दिया। उन्होंने हाँ यही ये लेडीज़ थी यही हाँ क्या हुआ, फिर इन्होंने वीडियो बनाया, फिर बोला कोई भी काम पड़े तो कॉल करना, नंबर भी दिया हमको और हमारा भी नंबर लिया। बहुत राह देखी, फिर आए और उन्होंने न्यूज़ भी बनाया और बोला उसके बाद और भी कुछ काम पड़े हम आपके इस केस में फुल मदद करेंगे, हमारी पूरी मदद रहेगी। तो दूसरी बार हमारा समाज का बैठक रखी थी तो उधर भी उन्होंने उनको बुलाए, तो उधर भी हमने 4,000 रुपया दे के भेजे उनको कि भाई गाड़ी भाड़ा लगता है, वो लगता हम भी समझते, उस दिन आए थे पहले बार तो भी 4,000 दे के भेजे। उसके बाद उन्होंने करीब 10 दिन के बाद वापस बोला हमको कि भाई तुमको ये केस सॉल्व करवाना, यहाँ तुम शांति से बैठे हो। मैंने बोला भाई अभी शांति से बैठे, पैसे नहीं है मेरे पास, तो अगर करवाना चाहते हो तो 20,000 रुपया लगेगा और हम 3 दिन में इस केस को पूरा सॉल्व कर देंगे और मुस्लिम को, जितने मुस्लिम है सबको अंदर कर देंगे। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, हमको इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो हमको सब पता है। तो वो आए और हमारे से वो 20,000 रुपया फिर नहीं था तो 10 ऐसा बोला, आधा आधा करके दो किस्त में, तो एक बार 10,000 दिया हमारे घर पे, मम्मी पापा के सामने आकर उन्होंने पैसे लिए, ठीक है। और उसके बाद 10,000 कब दोगा, 5 दिन ठहरना पड़ेगा, तो हम तुरंत पैसे का बंदोबस्त किया, ब्याज में निकाल के लेके आए और खाता नंबर दिया आपने, वो न्यूज़ वाले ने वो खाते में हमने डलवा दिया। ये जो बात हुई है, हाँ, इस बात को भी यहाँ पर रखोगे क्या? अभी रखेंगे। आने वाले दोनों पत्रकारों ने अपने नाम क्या बताया? राज करके ऐसा कुछ नाम बताया था, राज और राधिका, हाँ राधिका, हाँ ऐसा कुछ नाम है। राधिका पूरा नाम? पूरा नाम राधिका सुथार। कितने
क्या चैनल का क्या नाम था और कितने पैसे ले लिए आपने? सस का सामना 24 न्यूज। पैसे कितने लिए? टोटल 28,000।